हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही मीठा वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ये है रसगुल्ले का और ये है बिकैनो का रसगुल्ला। ये मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। मैंने पहले हल्दीराम और बाकी भी कई सारे मैंने रसगुल्ले या गुलाब जामुन के वीडियो शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, लेकिन बिकैनो का पहली बार मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये 1 kg का ये डब्बा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 kg का डब्बा है, जिसमें कि आपको 16 पीस आपको मिलेंगे रसगुल्ले के। और इसका जो ड्रेन वेट है वो है 400 ग्राम, मतलब जो इसका शीरा है ना वो 400 ग्राम है। बाकी इसका जो प्राइस है वो है 240 रुपीज़। तो मैंने इसको खोल लिया है, लेकिन ये काफ़ी टाइट था, खुल नहीं रहा था, तो मेरे से ये एक्चुअली टूट गया। और फिर खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही रिस्की हो जाता है। देखिए ये टूट गया, तो मैंने इसको चाकू की मदद से उसके बाद इसको खोला है। और आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो आप इसको ना बहुत ही केयरफुल होके इसको खोलिएगा, क्योंकि इससे जब कट जाता है ना, एक बार पहले मेरे हाथ से ऐसे कट गए थे, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो ये देखिए फाइनली मैंने इसको खोल दिया है, और ये देखिए, और इसका ये जो लिड है ना, इस लिड को आप इस्तेमाल कर सकते हो बाद में यूज़ करके। इसको फ्रिज में इस तरह से लिड लगा के इसको आप रख सकते हैं, इस डब्बे को। तो इसको मैंने खोल लिया, और ये देखिए रसगुल्ले तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, सर्व करके मैं इसको आपको खा के बताऊँगी कि ये कैसा है। तो मैंने इसको निकाल लिया है, एक आप कटोरी में इसको निकाल लीजिए। तो देखने में काफ़ी अच्छा था, और इसका मुझे नहीं लगा था कि ये इतना स्पॉन्जी होगा, लेकिन रसगुल्ला सर बताऊँ बहुत ही स्पॉन्जी था। हल्दीराम के रसगुल्ले आते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ही मुझे इसके रसगुल्ले स्पॉन्जी लगे। ये देखिए मैं इसको बिल्कुल दबा दे रही हूँ, लेकिन ये फिर से वो अपनी शेप में आ जा रहा है और टूट नहीं रहा। तो आप देख सकते हो, आपको मैंने दिखा दिया कि कितना ही ज़्यादा स्पॉन्जी। और इसको मैंने खा के देखा, टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और जो त्यौहार आते हैं ना घर में, फेस्टिवल्स या कुछ भी, तो हम मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन आप चाहो तो एक बार इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद इस तरह से आप इसको लीड लगा कर इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं, और जब भी मन हो उसको खुलकर खा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।